लाइव में आप सभी का स्वागत है। गोंदिया महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली रजे गांव के बाघ नदी के कोरनी घाट पर आज सुबह 10 बजे हृदय विदारक घटना घटित हो गई। गोंदिया के न्यू लक्ष्मी नगर इलाके से कावड़ यात्रा को निकले 25 युवकों की टोली नदी तट के कोरनी गांव पर पहुंची। कावड़ यात्रा में शामिल कावड़ियों ने पात्र में जल अभिषेक हेतु जल एकत्र किया। इसी दरमियान राजेश मरस कोले नामक 17 वर्षीय युवक इसे नहाने की सूझी तथा वह नदी में उतर गया। नदी का बहाव तेज होने की वजह से वह असंतुलित होकर पानी में बह गया। घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कंट्रोल रूम को दी गई है। नदी में बहकर लापता हुए युवक की तलाश जारी है। जी हाँ, शहर के जाने माने कपड़ों की दुकान में चेंजिंग रूम में कैमरा से महिला की अश्लील तस्वीरें लेने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस की जानकारी के अनुसार कल शुक्रवार की रात करीब 7:45 बजे एक 17 साल की किशोरी फ्रेंड्स शोरूम में पहुंची थी। उसने कपड़े पसंद किए और उसे पहनकर देखने की इच्छा जताई। लड़की को दूसरे मंजिल पर स्थित चेंजिंग रूम में भेजा गया। किशोरी अपनी सहेली के साथ चेंजिंग रूम में पहुंची और कपड़े बदलने लगी। इसमें आरोप यह है कि किशोरी के चेंजिंग रूम में पहुंचने से पहले ही फ्रेंड्स के मालिक किशन ईश्वर चंद्र अग्रवाल और शोरूम में काम करने वाले निखिल चौथमल ने अपने मोबाइल को चेंजिंग रूम में छुपा कर रख दिया। अब यह शिकायत लड़कियों ने सीतामढ़ी पुलिस स्टेशन में की है। MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।